एलईडी लाइट खरीदी में बड़ा घोटाला। बिना टेंडर सिर्फ मांग पत्र पर लाखों की खरीदी कर रहा विभाग। जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी बैठे हैं मौन। जी हाँ, कटनी नगर निगम के विद्युत विभाग द्वारा सारे नियम कायदों कानूनों को तिलांजलि देते हुए आम जनता से वसूले गए टैक्स पर अपना निजी हक जताते हुए दुरुपयोग किया जा रहा है। नगर निगम की सड़क बत्ती प्रकाश व्यवस्था में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। दरअसल नगर निगम के विद्युत विभाग में मौसेरे भाई सक्रिय हैं, जहां विभाग द्वारा रिश्तेदारों को भाव पत्र में ही विद्युत सामग्री खरीदी का ऑर्डर दिया जा रहा है और लाखों रुपए का भुगतान किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शहर में लगभग 10,000 विद्युत पोल हैं। 28 अक्टूबर 2022 को नगर निगम के सम्मेलन में विभाग द्वारा जानकारी प्रदान की गई कि इन विद्युत पोलों के लिए लगभग 6,000 एलईडी लाइट की खरीदी की गई है और अभी लगभग 6,000 एलईडी विद्युत लाइट खरीदना प्रस्तावित है। इस पर सवाल उठना लाजमी है, अगर विद्युत पोलों में एलईडी लगा दी है तो फिर नगर निगम के स्ट्रीट लाइट बिल एवं ऊर्जा खपत व व्यय राशि में कमी क्यों नहीं आई? फिर क्यों नगर निगम मध्य प्रदेश पूर्व विद्युत वितरण कंपनी को 23 से 24 लाख हर माह ऊर्जा बिल का भुगतान करना पड़ रहा है, जबकि पूर्व के वर्षों में भी ऊर्जा व्यय लगभग इतना ही होता रहा है। जबकि अब विद्युत पोलों में एक एलईडी स्ट्रीट लाइट लगा दी गई है तो ऊर्जा बिल में कमी आनी चाहिए। इसी तरह विद्युत बिल की कमी के साथ सड़क बत्ती कार्य हेतु सामग्री खरीदी में कमी आनी चाहिए, लेकिन विभाग द्वारा लगातार व्यय जारी है। इस पूरे मामले में नगर निगम के आला अफसरों के सानिध्य में विभाग के अधिकारियों और बाबुओं के द्वारा भाव पत्र में अनाप शनाप खरीदी की जा रही है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि नियमानुसार खरीदी के लिए टेंडर बुलाए जाने चाहिए। कटनी नगर निगम के विद्युत विभाग में लोकल व्यापारियों से साठगांठ के चलते ये बड़ा घोटाला हो रहा है। कटनी से ब्यूरो हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 9039 01 18 86 9770